नरसिंहगढ़ के सीएम राइज स्कूल में आयोजित हुई आपदा प्रबंधन हेतु कार्यशाला। बारिश के चलते कोई घटना न घट सके, इसी के चलते राजगढ़ जिले के सीएम राइज स्कूल में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग एवं शासन की योजना के तहत स्कूल में छात्रों को बाढ़, आपदा एवं आग बुझाने के तरीकों के बारे में डेमो हेतु कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान होमगार्ड विभाग के कुरावर थाना में पदस्थ जवान राजेंद्र सिंह परमार, कृष्णपाल सिंह खींची, राजेंद्र सिंह चंद्रावत ने छात्रों को बाढ़, आपदा एवं आग बुझाने के तरीके बताए। स्कूल आपदा प्रबंधन प्रभारी श्री रामबाबू यादव ने बताया कि शासन के द्वारा शाला स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं शाला सुरक्षा संबंधी समिति बनाई गई है, जो समय समय पर छात्रों को सुरक्षा से संबंधित जानकारियां देती रहती है। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य श्री ब्रजादित्य सक्सेना, राजा राम शिकारी, नर्मदा प्रसाद, विश्वजीत सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण मौजूद थे। देखिए पूरी खबर मंडावर से, होकम प्रजापति की रिपोर्ट। मुझे सीएम राज स्कूल में बुलाया गया था सम्मान के द्वारा, तो उनका कहना था कि बाढ़ बचाव संबंधित बच्चों को जानकारी दी जाए। तो मैं पहले रेस्क्यू का काम कर चुका हूँ जिले में, अब भी कभी जरूरत पड़ती है इमरजेंसी बड़े रेस्क्यू के लिए तो मुझे बुलाया जाता है सम्मान के द्वारा, तो मैं जाता हूँ रेस्क्यू करता हूँ। पहले भी पार्वती में रेस्क्यू कर चुका हूँ, दो तीन बड़े बड़े रेस्क्यू कर चुके हैं, और जहाँ पर कि तलेन में भी रेस्क्यू किए थे मैंने, पहले स्कूल के बच्चों के पार्वती में किए थे, घोड़ा घाट नदी पार्वती में भी किए थे, सुखाजार थाना क्षेत्र में दो तीन जगह किए थे, प्रभा थाना क्षेत्र में पहले रेस्क्यू कर चुका हूँ बड़े बड़े रेस्क्यू। आज बच्चों को क्या संदेश दिया? आज बच्चों को ये संदेश दिया कि अभी बारिश का समय चल रहा है, नदी नालों से दूर रहें, और जब भी ऐसी कोई समस्या आती है तो 1095 नंबर जो इशू किया गया सरकार द्वारा उस पर फोन लगा कर जानकारी दे सकते हैं। सुरक्षा के तौर पर टीम मौजूद है, सुरक्षा के लिए आपको जो भी उपकरण रहते हैं उसके बारे में बताया गया, जैसे घर से भी आप पॉलिथीन का नाम, घर से भी आप इमरजेंसी बना सकते हैं, जैसे बाटा ले लीजिए, आप बाटे लेके 4-5 बाटे लेके इमरजेंसी के लिए आप उनको रस्सी से बांध के और आप बांध के और नदी क्रॉस कर सकते हैं। इसके विषय में जानकारी दी गई, और गैस के विषय में रात को जब भी आप गैस का काम नहीं हो तो रेगुलेटर बंद करके रखें, और कोई बात होती है दुर्घटना होती है तो ये नंबर जो दे रहे हैं संपर्क के साथ। और सर आपने बताया कि आपको कई बार पुरस्कार मिल चुका है, पुरस्कार मिला, तो किस विषय को लेकर मिला? मुझे